नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट, चार जातियों पर विशेष फोकस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। बजट कई बड़ी घोषणाओं के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि चार जातियों के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। ये चार जातियाँ कोई और नहीं बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि उनका फोकस इन्हीं चार जातियों पर रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सबके लिए मकान, हर घर जल और सबके लिए बिजली पर जोर दिया गया है। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रह गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन के साथ किसानों के लिए MSP बढ़ाई गई है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास पर काम किया जा रहा है। बजट में बड़ा ऐलान, हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 1 करोड़ घरों पर लगेंगे सोलर पैनल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हर महीने 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। ये वे परिवार होंगे जो अपने घर की छत पर सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। पीएम मोदी ने बीते 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। वहीं डेयरी किसानों के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो DAP का प्रयोग किया जाएगा। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला है। इसके साथ ही 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं पर 87A के तहत ले सकेंगे 7.5 लाख रुपए तक छूट। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी 2.5 लाख रुपए तक इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें सेक्शन 87A के तहत वेतन भोगी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार के मौके बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सरकार सर्वसमावेशी विकास कर रही है और वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राज्य बन जाएगा। वंदे भारत स्तर के बनाए जाएंगे 40,000 रेल कोच, हाई डेंसिटी रेल मार्गों के लिए होगा अलग कॉरिडोर। रेलवे के 40,000 कोच वंदे भारत स्तर के बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि माल ढुलाई के लिए बनाए जा रहे रेलवे कॉरिडोर के अलावा 3 और नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर का इस्तेमाल विशेष रूप से सीमेंट और कोयला ढोने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगा। दूसरी ओर हाई डेंसिटी कॉरिडोर उन मार्गों के लिए होगा जिन मार्गों पर ज्यादा भीड़ होती है। रेलवे के लिए आवंटित बजट से मेट्रो और नमो भारत के तहत चल रहे मौजूदा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का निर्माण भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 2014 से पहले के आर्थिक कुप्रबंधनों पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि 2014 में जब हमने सत्ता की बागडोर संभाली तब अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सबका विकास के मंत्र और राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ सरकार ने उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीख सकें इसलिए सरकार सदन के पटल पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी कि लोगों को आशा की किरण दिखे, निवेश आर्जित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। वहीं मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण देश की दूसरी वित्त मंत्री बन गई हैं, जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद जलीदीप, शुरू हुई पूजा अर्चना। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई है। यह जानकारी मिलते ही सुबह सुबह काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पहुंचे। व्यास तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंपा गया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद रात में ही व्यास तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई और कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा शुरू हुई। व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास ने कहा कि सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण कर खम्भों पर बनी आकृतियों को पवित्र किया गया, उसके बाद फूल अक्षत से पूजा शुरू की गई। इससे पहले बीती देर रात प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से, जहां बड़े नंदी विराजमान हैं, उनके सामने की बैरिकेडिंग खोलकर तहखाने की ओर जाने का रास्ता बनाया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।